मसला ये आता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, तो अब आप ये देखें जब मैं टाइप करता हूँ आर्टिकल राइटिंग, तो यहाँ पर तकरीबन ऑलरेडी जो है, लेट्स सी, ये देखें 45,000 लोग ऑलरेडी इस पर गिग बना चुके हैं। अब आप ये सोचेंगे कि यार मैं कैसे, मेरी जगह कहाँ पर है, एंड फाइवर पर आप एक सिस्टम से चलेंगे। लोग क्या करते हैं, अगर कोई लोगो डिज़ाइनिंग कर रहा है या कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है, आएगा फ़ौरन गिग बना लेगा, गिग बनाकर फिर कहेगा दो तीन दिन वेट करेगा ऑर्डर। आपने क्या समझ रखा है, फाइवर क्या क्या समझता होगा कि वो लोग जो मेरे प्लेटफॉर्म पर सालों से हैं, जिन्होंने सालों से अपनी शॉप्स ओपन कर रखी हैं, मैं उनको ऑर्डर देने की बजाय उनको दूँ जो न्यू आ रहे हैं, इनकी एक फाइवर। अब फाइवर क्या है, फाइवर पर कौन कौन से लोग काम कर सकते हैं, फाइवर पर किस किस्म की स्किल्स रिक्वायर हैं, किस तरह जो है हम लोग फाइवर से अर्न करने वाले हैं, ये सारे डिटेल आज की वीडियो में देने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ कि फाइवर क्या है, किस तरह फाइवर को समझेंगे, किस तरह फाइवर पर हम लोग काम करेंगे, एंड कैसे जो है हम लोग ऑर्डर रिसीव करेंगे, एंड ये इनका सिस्टम वर्क किस तरह करता है, इस पर किस किस्म की कैटेगरीज है, ये ए टू जी जो है आज लाइव डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूँ कजाफी और आप देख रहे हैं द रजिस्टर्ड नॉलेज यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी फाइवर पर। अब मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल दूँ, वो ये है, फाइवर को समझ लें, एक मॉल है, शॉपिंग मॉल जैसे होता है, फाइवर भी सेम उसी तरह है। अब एक शॉपिंग मॉल में जब आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको ज़ाहिर बात है काफ़ी सारी उस मॉल को देखते हैं, फिर उस मॉल में जब एंटर होते हैं तो आप लोग देखते हैं कि हर किस्म की अंदर शॉप है, क्लॉथ, शूज़, ग्लोव्स की, फैशंस की प्रोडक्ट्स हैं, एंड काफ़ी सारी आपको डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स मिलती हैं, एंड आप डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स विजिट करके आप लोग वन बाय वन प्रोडक्ट देख के देन उसी मुताबिक जो है रिसीव करते हैं या पे करके जो है आप लोग परचेज करते हैं। सेम फाइवर की यही एग्जांपल है, फाइवर एक डिजिटल मॉल है, फाइवर एक डिजिटल मॉल है जिसमें डिजिटली शॉप्स बनी हुई हैं जिनको गिग्स कहा जाता है। अब जब आप इस मॉल में एंटर होते हैं तो आपको फिर अंदर छोटी छोटी, आपको पहले सबसे बड़ी बड़ी दुकानें शो होंगी, उन बड़ी बड़ी दुकानों की लाइव एग्जांपल ले लें तो वो स्किल्स हैं। वहाँ पर मॉल्स में शॉप्स खोली हुई थी, मॉल्स पर हर किस्म की डिफरेंट शूज़ ये वो, यहाँ पर डिजिटल स्किल्स लगी हुई हैं, लाइक अगर कोई वेब डिज़ाइनर एंड डिवेलपर है तो उसकी शॉप्स आपको मिलेंगी, अगर कोई डिजिटल मार्केटर है उसकी आपको शॉप्स एंड गिग्स नज़र आएंगी, अगर कोई कंटेंट राइटर है तो आपको उसकी गिग्स नज़र आएंगी, एंड अगर कोई जो है एडिटर है या कोई जो है लाइक वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है तो आपको उसकी शॉप्स नज़र आएंगी। तो सेम फाइवर उसी तरह है। फिर जब इन बड़ी बड़ी शॉप्स में जब आप एंटर होते हैं तो आपको छोटी छोटी प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं, छोटी छोटी आपको लोगों को शूज़ नज़र आ गए, टी शर्ट्स नज़र आ गई, आपको जीन्स नज़र आ गए, आपको सॉक्स नज़र आ गए, आपको हेयर के सॉल्यूशन की कोई प्रोडक्ट्स नज़र आ गई। सेम इसी तरह फाइवर पर जब आप बड़ी बड़ी कैटेगरीज को विज़िट करते हैं, लाइक अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कैटेगरी को विज़िट करते हैं तो तब आपको फिर छोटी छोटी आपको शॉप्स नज़र आती हैं जो नीचे ऑफर्स कर रही होती हैं, लाइक अगर कोई लोगो डिज़ाइन कर रहा है, कोई जो है पिक्चर बैक ग्राउंड की रिमूव कर रहा है तो वो पिक्चर एडिटिंग में आ जाता है, कोई अगर कोई लाइक किसी भी 3D किस्म का लोगो क्रिएट कर रहा है तो उसने आगे मज़ीद छोटी गिग क्रिएट की है। तो इसी तरह लाइव एग्जांपल है मॉल की आपके लिए। अब फाइवर पर कौन से लोग आ सकते हैं, फाइवर पर इस वक्त 90% काम स्किल का है। फाइवर पर जब आप लोग आते हैं तो आपके पास 90% है कि आप एक्सपीरियंस्ड हों, 10% जो बचता है वो ये है कि इस पर नॉन एक्सपीरियंस काम भी है, कि उन 10% लोगों के लिए जो कोई काम नहीं जानते, जो कोई काम नहीं करना चाहते, वो भी फाइवर से बेनिफिट उठा सकते हैं एंड वो 10% की लिस्ट में आएंगे। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होती है हमेशा कि कुछ सीख कर आएँ फाइवर पर। सीखने में आपको कितना टाइम लगेगा, कोई एक छोटी सी स्किल सीख लें। मैं आप लोगों को लाइव इंटरव्यू भी दिखाने वाला हूँ कि आप लोग फाइवर पर कौन कौन सी कैटेगरीज में काम कर सकते हैं, किस कैटेगरीज में कितना काफ़ी कुछ दिखाने वाला हूँ, तो उसके लिए आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग आ गए हैं फाइवर पर, ये है फाइवर का इंटरफेस, एंड अब मैं आपको दिखाता चलूँ, ये मेन मॉल है हमारे लिए, एंड अब आगे ये देखिए छोटी छोटी शॉप्स आ रही हैं, लाइक ग्राफिक एंड डिज़ाइन की शॉप आ गई है हमारे सामने, एंड हमारे सामने डिजिटल मार्केटिंग की शॉप आ गई है, एंड हमारे सामने राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एंड एनिमेशन, म्यूज़िक एंड ऑडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक, बिजनेस, लाइफस्टाइल, ट्रेनिंग। अब इन जब आप शॉप्स को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको छोटी छोटी प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी, लाइक एज लोगो डिज़ाइन, ब्रांड स्टाइल गाइड,
बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी, गेमिंग, गेमिंग आर्ट, ट्विटर स्टोर, इलस्ट्रेटर, एनएफटी आर्ट, पैटर्न डिज़ाइन, पोर्ट्रेट्स, कार्टून। तो जब आप इन छोटी छोटी शॉप्स को ओपन करेंगे, छोटी छोटी शॉप्स को जब ओपन करेंगे तो आपको इनमें नज़र आएंगी प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेम इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग की बड़ी शॉप है। डिजिटल मार्केटिंग में आपको सोशल मीडिया, SEO सारा कुछ आपको ये शो हो रहा है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में भी यही सीन है। जब आप इस शॉप को करेंगे तो आप लोगों को आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, ट्रांसलेशन, प्रूफ रीडिंग, रिज्यूम राइटिंग, कवर लेटर, लिंक्डइन, आपको काफ़ी कुछ इन शॉप्स, बड़ी बड़ी शॉप्स में हैं। एंड देन इन शॉप्स में जब आप लोग एंटर हो जाते हैं तो आपका एक ही काम होता है कि यार इन बड़ी शॉप्स को मत सीखें, एटलीस्ट इनकी छोटी छोटी प्रोडक्ट्स को सीख कर ही यहाँ पर आ जाएँ। अब लेट्स सपोज के कोई लोगो डिज़ाइन कीजिए। देखिए मैं आप, अब ये आपके सामने छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि टॉप पर आ रही हैं एंड लोग यहाँ से कमा रहे हैं ऑलरेडी। आप देख सकते हैं 1-1 के रिव्यूज़ दिए हुए हैं एंड 1K प्लस टॉपर आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, ठीक है हमने आपकी बात मानी, लोगों ने मेरी बात मानी, लोगों ने कुछ सीखा, लोग फाइवर पर आ गए, उन्होंने अपनी भी शॉप क्रिएट कर दी जिसे गीक कहा जाता है। उसे क्रिएट करने के बाद अब उन्हें प्रॉब्लम फिक्स हो रही है, तो ऑर्डर नहीं आ रहे। तो ऑर्डर इसीलिए नहीं आ रहे कि आपने जस्ट ऊपर से ही मेरी वीडियोज़ देखी हैं, अंदर से सिस्टम को नहीं समझा। ये प्लेलिस्ट जो आने वाली है, जिसका ये आप पार्ट 1 देख रहे हैं, इसके आगे और पार्ट्स आने वाले हैं, उनको लाजमी देखना है। क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि शॉप कैसे बनानी है, उस शॉप जैसे आप मॉल में जाते हैं तो कोई शॉप परचेज़ करते हैं, फिर आप उसकी कोई रजिस्ट्रेशन होती है, आप उसको अपना ब्रांड बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट से रिक्वायर्ड जब कुछ आप करते हैं ना, सेम इसी तरह फाइवर कहता है मुझको ज्वाइन करने से पहले मेरी भी कुछ पॉलिसीज़ हैं, मेरे भी कुछ रूल्स हैं, आपने उनको पढ़ना है, उनको एग्री करना है, फिर जाकर आप फाइवर पर ऑर्डर, एंड फाइवर पर आप एक सिस्टम से चलेंगे। लोग क्या करते हैं, अगर कोई लोगो डिज़ाइनिंग कर रहा है या कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है, आएगा फ़ौरन गिग बना लेगा, गिग बनाकर फिर कहेगा 2-3 दिन वेट करेगा, ऑर्डर नहीं आता। आपने क्या समझ रखा है? फाइवर क्या क्या समझता होगा कि वो लोग जो मेरे प्लेटफॉर्म पर सालों से हैं, जिन्होंने सालों से अपनी शॉप्स ओपन कर रखी हैं, मैं उनको ऑर्डर देने की बजाय उनको दूँ जो न्यू आ रहे हैं। इनकी एक ऐसी बेहतरीन पॉलिसी है जो कि मैं आपको इस प्लेलिस्ट में किसी भी वीडियो में बताऊंगा, वो बड़ी बेहतरीन प्लेलिस्ट है। उस बड़ी प्ले मतलब कि वो बात जो बताने और वो बहुत ही अच्छी है, वो ये है कि ये प्लेटफॉर्म हर पुराने शॉप वाले को और हर न्यू शॉप वाले को मौका देता है। अगर आप लोग ये देख रहे हैं, ये जिनकी शॉप्स ओपन आ रही हैं, जिनको गिग्स कहा जाता है, अब से मैं इनको गिग्स कहूँगा, तो ये जो गिग्स आ रही हैं आपके सामने टॉप पर, अब आप इनको थोड़ी सी देर बाद जब रिफ्रेश करेंगे या 24 या 48 आवर्स बाद, तो आपको फिर दूसरे लोगों की गिग्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो फाइवर मौका देता है। बस फाइवर ये कहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पर आने से पहले आप लोगों ने जो मेरी गाइडलाइन एंड पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक आपने वो गिग बनाई हुई हो, वो शॉप बनाई हुई हो, फिर जाकर मैं उस आपकी गिग एंड शॉप को रैंक करूँगा। उसके लिए फिर हम जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो चीज़ें हैं जो मैंने कवर्ड करनी है आपके लिए, वो मैंने प्लेलिस्ट में रेडी कर रखी हैं, वो वीडियोस लाजमी देखिएगा, ताकि आप कल को किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो SEO की है, चाहे जो है वो लाइक राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की है, चाहे वीडियो एनिमेशन की है, चाहे म्यूज़िक प्रोग्रामिंग है, कुछ भी आप लोग सीख कर आए हैं ना, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की, जब आप आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट में जाएँ तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे जहाँ पर जो है आप लोगों का, जिन्होंने ऑलरेडी गिग बनाई होंगी एंड जो ऑलरेडी ऑर्डर कर रहे हैं लोग एंड जिन पर ऑलरेडी अर्निंग चल रही है। अब मसला ये आता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, तो अब आप ये देखें, जब मैं टाइप करता हूँ आर्टिकल राइटिंग, तो यहाँ पर तकरीबन ऑलरेडी जो है, लेट्स सी, ये देखें 45,000 लोग ऑलरेडी इस पर गिग बना चुके हैं। अब आप ये सोचेंगे कि यार मैं कैसे, मेरी जगह कहाँ पर है? अब इन 45,000 लोगों को तो मैं क्रॉस नहीं कर सकता। लाइक अगर मैं आर्टिकल राइटिंग सीख कर आया हूँ, जो मैं आर्टिकल राइटिंग जानता हूँ, किस तरह मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ, तो मैं अब इन 45,000 को कैसे क्रॉस करूँगा, कैसे जो है मैं अपनी गिग को टॉप पर लाऊँगा, कैसे मुझे ऑर्डर रिसीव होंगे, ये बहुत से सवाल आपके जहन में होंगे एंड ये सारे सवाल मैं आपके कवर करूँगा। आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने अपनी इस गिग को क्रॉस करना है, जो शॉप जो गिग आप बनाएंगे उसको इन 45,000 लोगों से कैसे क्रॉस करना है,
एंड कैसे जो है आप ऑर्डर रिसीव करेंगे एंड कैसे इसे अर्न करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, कौन कौन सी गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है, किस तरह उस जो क्लाइंट जो अगर कोई परचेज़ करने आ जाता है आपके पास, कोई कस्टमर आ जाता है, उससे कैसे बात करनी है, उससे को कैसे कन्विंस करना है कि वो आपसे ही चीज़ें लें। क्योंकि जब एक कस्टमर आता है, जब आप किसी शॉप में जाते हैं, आप किसी सेम मार्केट की अगर एग्जांपल दूं तो ऑलरेडी सपोज़ आप किसी क्लॉथ की मार्केट में जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, पहले एक शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर रेट चेक करते हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट चेक करते हैं, वहाँ पर चेक करते हैं कि आपके वो मुताबिक वो प्रोडक्ट है या नहीं, एंड आपके बजट के मुताबिक वो रेट है या नहीं, तो तब आप फिर वो प्रोडक्ट नहीं लेते, आप फिर नेक्स्ट शॉप पर जाते हैं, फिर थर्ड शॉप पर, फिर फोर्थ शॉप पर, फिर आप मार्केट रेट चेक करने के बाद किसी एक से फैसला करके वो प्रोडक्ट जो वो क्लॉथ लेते हैं। सेम इसी तरह फाइबर पर भी जब कोई कस्टमर आता है तो वो ऑलरेडी मार्केट रेट जान चुका होता है, एंड या तकरीबन 50 से 60% 70% ऐसे कस्टमर्स आपको मिलेंगे जो कि तो आप उनको ट्रिक नहीं कर सकते, आप उनको ज़्यादा रेट नहीं बता सकते, क्योंकि वो मार्केट का रेट जानते हैं, वो ऑलरेडी सर्च करके बैठे हैं। सो इस चीज़ की लालच हरगिज नहीं करनी कि जो लोग $5 की $10 की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरा क्लाइंट अगर मुझसे पूछ रहा है कि आप कितने में प्रोवाइड करेंगे तो मैं उसे जो है बजट बढ़ा चढ़ा कर बताऊँ, नहीं। मैंने बहुत सारी केयरफुल टिप्स आपको देनी है इस प्लेलिस्ट में जो कि आपको मिलेंगी, एंड आपको पूरा A to Z फाइबर समझाने वाला हूँ, एंड आपको सारा कुछ बताऊँगा कि क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स को कैसे आप लोग कन्विंस करेंगे, कैसे प्यार से बात करके आप रेट बढ़वा सकते हैं, लाइक $5 $10 से डायरेक्टली ऑफर नहीं करेंगे कि मुझे $50 दे दें, $60 दे दें, ऐसी तो बहुत सी चीज़ें आपको अवॉइड भी करनी है, बहुत सी चीज़ों की आपको आदत भी डालनी है, वो सारा कुछ आपको इस प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। एंड जो जो आपके क्वेश्चन होंगे वो भी मुझे कमेंट में बताते जाएंगे, उनकी वीडियोज़ भी मैं इंक्लूड करता जाऊँगा। बाकी मुझे उम्मीद है जो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सबकी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, एंड आप लोग ईजिली इस प्लेलिस्ट से फ़ायदा उठाकर अपना फाइबर पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये प्लेलिस्ट उन लोगों के लिए है जो नए आए हैं फाइबर पर एंड जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, एंड जिनकी प्रोफाइल डी रैंक होंगी उनके भी सोल्यूशन आने वाले हैं, जिनकी गिग्स डी रैंक होंगी उनके भी सोल्यूशन आने वाले हैं। A to Z सारा कुछ जो है इस प्लेलिस्ट में आपको दिया जाएगा, एंड जस्ट आपका क्या काम होगा कि इस प्लेलिस्ट की जितनी भी वीडियोज़ हैं या जो जो वीडियोज़ आप देखते जा रहे हैं उसको लाइक एंड शेयर करते जाएं, क्योंकि जब आप इन वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करेंगे तो मुझे रियलाइज़ होगा कि वाकई मेरी ऑडियंस जो है नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए इंटरेस्टेड है। अगर आप लोगों ने ऐसा ना किया एंड मुझे लगा कि मेरी ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं है तो इसके बाद उस नेक्स्ट वीडियोस नहीं आएगी, मैं टॉपिक चेंज कर दूंगा एंड उस टॉपिक की वीडियोस जो है आपको मिलेंगी, इसकी नहीं मिलेंगी। तो इसकी तभी मिल सकते हैं जब आप इसको लाइक एंड शेयर दिया करेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको लोगों को फाइबर का इंटरफेस समझ आया होगा, आपको पता होगा कि फाइबर एग्जैक्टली है क्या, फाइबर पर काम किस तरह करते हैं, फाइबर पर कैसे क्लाइंट्स हैं, सब कुछ आप लोगों को आगे भी बताऊंगा एंड इस वीडियो में भी समझ आया होगा। तो इस प्लेटफॉर्म पर तकरीबन काफ़ी जो है अच्छा एंड और मतलब कि काफ़ी बाहर की ऑडियंस है जो कि बायर्स है इस वक्त। अब ये प्लेटफॉर्म आपके लिए इस लिहाज से काम करता है, अगर मान लीजिए अगर आप डायरेक्ट काम करते हैं, अगर आपके पास डायरेक्ट लोगो डिज़ाइनिंग की स्किल है या वीडियो एडिटिंग की स्किल है तो आप क्या करते हैं, आप गूगल पर जाकर लिखते हैं कौन लोग USA में रहते हैं, कौन क्या उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल है या नहीं, आप उनको वन बाय वन देखते हैं, आप देखते हैं कौन किस कंट्री से है, उसका ईमेल भी मिला है या नहीं, उसकी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल है या नहीं, फिर आप उसको जाकर कहते कि मैं ये काम करता हूँ, आप उसको ईमेल सेंड करते, फिर वो पता नहीं कितने टाइम बाद रिप्लाई। तो फाइबर का ये फ़ायदा है, इस पर ऑलरेडी वो लोग हैं, आपको किसी को कोई मेल नहीं करनी, आपको कुछ नहीं, वो लोग आपको ढूंढ कर आएंगे। तो वो लोग किस तरह आपको ढूंढ कर आपके फाइबर पर आ सकते हैं, किस तरह आपको वो फाइबर पर काम दे सकते हैं, किस तरह वो ये सारा कुछ फाइबर ने कवर कर लिया है। आपको जस्ट क्या करना है कि फाइबर कहता है कि मेरे पास अगर गिग क्रिएट करनी है तो मेरी पॉलिसीज़ के मुताबिक क्रिएट करनी है, ताकि जो अप्रोच करे आपको वो ईजिली कर सके। सो जस्ट आपने कुछ चीज़ों को फॉलो करना है जो कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड इस तरह करके आप लोग फाइबर से काफ़ी सारा बेनिफिट ले सकते हैं, फाइबर से अर्न कर सकते हैं, एंड फाइबर को इजीली जो है आप लोग समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको फाइबर के बारे में समझ आया होगा, अगर बाकी है इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली कोई भी वीडियो आप लोग उसे ईजिली देख सकें।